सबको मेरा नमस्कार। आज अरबी का करी बनाने जा रही हूँ। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। उसके लिए चिल्ली चाहिए, ग्रीन रेड चिल्ली और नारियल, ऑनियन, सॉल्ट, लहसुन, जीरा, मेथी, हल्दी, धनिया और इमली चाहिए। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है अरबी। इसको मैं अभी कुकर में डाल के 2 सीटी डाल दूंगी, उसके बाद उसका स्किन निकाल देंगे। अभी हम लोग चिल्ली को फ्राई करेंगे। चिल्ली का साथ धनिया डालूंगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा मेथी, मैं ज़्यादा नहीं लूंगी, थोड़ा ले रही हूँ। इसको डाल के फ्राई करेंगे। अभी ये चिल्ली धनिया सब फ्राई हो गया। आपको तेल चाहिए तो तेल का साथ कर सकते हैं, अदरवाइज ड्राई भी कर सकते हैं। अभी इसको बंद करूंगी। अभी इसको मैं जार में निकालूंगी। आइए अभी इसको नारियल ऐड करेंगे। इसमें अभी थोड़ा सा आधा आधा स्पून हल्दी, इतना लिया है इमली मैंने। थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है, खट्टा और स्पाइसी अच्छा लगता है, इसलिए इतना डालती हूँ इमली। मैं इसको पीसूंगी, बाद में उसमें लहसुन और जीरा ऐड करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी मैं, उसके बाद फिर ड्राई मिक्स करूंगी। थोड़ा पानी, इतना सारा जीरा डालूंगी। और लहसुन डाल दूंगी, और एक ऑनियन मैंने लिया है, वो इसमें से आधा ऑनियन मैं डाल दूंगी उसमें। अभी देखिए ये ग्रेवी रेडी हो गया, बस इसको साइड में रखती हूँ। अभी अरबी का क्या हो गया देखते हैं। अरबी पक गया है, इसको कुकर से निकाल के एक प्लेट में डाली हूँ। देखिए ऐसे चिलक इसका स्किन है ना ऊपर का, वो निकाल के इसको काट के रख सकते हैं। अच्छा से निकाल के अभी अरबी का पूरा छिलका निकाल के ऐसे रखी हूँ। अभी थोड़ा सा इसको छोटा छोटा पीस में काट लूँगी मैं, काट के फिर ग्रेवी को पकने के लिए रख के डाल देंगे। चावल का साथ ये ग्रेवी, चावल का साथ भी अच्छा लगता है। एक बार बना के देखिए, ये मेरा स्टाइल है बनाने का। अभी गैस जला दूंगी मैं, पहले ग्रेवी को डाल दूंगी। इसका एक खूबियत क्या है बता दूंगी, बिना ऑयल के भी ये सब्जी बना सकते हैं हम लोग। आपको जब मसाला फ्राई करने का टाइम में भी ऑयल नहीं चाहिए, बिना ऑयल का भी बना सकते हैं। नहीं है तो आपको ऑयल चाहिए तो ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल डाल के उसमें ऑनियन फ्राई कर सकते हैं। नहीं है तो ऐसे ही ग्रेवी डाल देती हूँ। अभी मैं ऑयल का नहीं यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल ऑयल नहीं है, विदाउट ऑयल है ये। इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसको अभी ढक के बंद करना है। इसके उबल आने का टाइम में हम लोगों को ऑनियन और अरबी को ऐड करना है। अभी मैं ढक्कन खोल के देखिए, ये अभी बॉईल हो रहा है। इसके लिए ना हम लोग ये ऑनियन ऐड करेंगे इतना। ऑनियन ऐड कर दिया मैंने, अभी नमक ऐड करेंगे।
टेस्ट के लिए कितना चाहिए उतना, इसमें एक स्पून और थोड़ा बस। अभी अरबी को भी ऐड करूँगी। ढक्कन रख के इसको थोड़ा पकाएंगे। अभी ग्रेवी रेडी हो गया, मैंने गैस बंद कर दिया। अभी देखिए ऐसे हो गया। इसका अरबी एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग खाने का टाइम में हमें इचिंग जैसे होता है मुंह में, इसलिए आप लोगों को चाहिए तो थोड़ा इमली ज़्यादा डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसलिए उसको कुकर में डालने के बाद उसका जो पानी है ना वो निकाल के फेंक दिया है, उसके बाद स्किन निकाला है। अरबी का रेसिपी रेडी हो गया है। आप व्हाइट राइस की अरबी का ग्रेवी रेडी हो गया है। मैं इसको रेड राइस का साथ आपको दिखा रही हूँ, आप व्हाइट राइस का साथ भी खा सकते हैं। ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगले आगे मैं अच्छा और अच्छा रेसिपी के साथ आपके सामने आऊँगी। धन्यवाद।